हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका जैन। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज में कलर फिल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट का पेज है ये वाइट कलर का है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये वाइट कलर का पेज जो है आप इस वाइट कलर के पेज पे काम करें। आप चाहते हैं थोड़ा कलरफुल हो, थोड़ा टेक्सचर हो इसमें, तब आप काम करना चाहते हैं, आप अपनी फाइल वैसी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना होगा। कहाँ फ्रेंड्स? यस, पेज लेआउट टैब में। ये हम गए पेज लेआउट टैब में। देन इसमें आपको दिखेगा पेज बैकग्राउंड नाम का ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पेज बैकग्राउंड का। ओके फ्रेंड्स, इसमें ही आप देखेंगे पेज कलर का ऑप्शन आएगा। आप इसमें से जो भी पेज का कलर चाहते हैं फ्रेंड्स, उसके पेज के कलर पे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्लू ले लिया, आप देखेंगे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर का पेज हो गया है। इसमें ये देखिए, मेरा सारा डॉक्यूमेंट ब्लू कलर का हो गया है। यहाँ आके थोड़ा पिंक हो गया है, वैसे ही कलर जैसे जैसे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, हमारा डॉक्यूमेंट का कलर, डॉक्यूमेंट के पेज का कलर हमारा चेंज होता जा रहा है। ये देखिए, ये वाला कलर हो गया है हमारे डॉक्यूमेंट के पेज का। अगर आप चाहते हैं कि पहले आप कलर देना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि जो है हमारा डॉक्यूमेंट पेस्ट हो, ये देखिए मैंने पेज का कलर बदल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हमारा जो है टेक्सचर देना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप तो फिल इफ़ेक्ट्स पर जाएंगे। कौन से फ्रेंड्स? ये देखिए, पेज कलर में ही मेरे पास दिखा फिल इफ़ेक्ट्स पे। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न या फिर कोई पिक्चर। ये देखिए, ग्रेडियंट में आपके पास अलग अलग टाइप्स के आ रहे हैं। इधर आप सैंपल देख सकते हैं, ऊपर डार्क, नीचे नीचे आते हुए लाइट, इधर ऊपर लाइट, नीचे नीचे डार्क, इसमें बीच में, इसमें साइडों में। ये देखिए, मैंने इस पर ओके किया तो आपका डॉक्यूमेंट का पेज ऐसा हो गया, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई टेक्स्चर आ जाए तो आप कोई टेक्स्चर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देन ओके किया, तो आप देखिए आपका पेज इस कलर, इस टेक्सचर के साथ का हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? आज हमने सीखा कैसे हम एमएस वर्ड 2007 में अपने पेज का कलर, टेक्सचर, ग्रेडियंट, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसका पैटर्न ये देखिए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपका पैटर्न ये हो गया है। ये देखिए, आप ये वाला पैटर्न का पेज चाहते हैं, आपका पैटर्न ये वाला हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा? कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में के पेज का कलर, टेक्सचर, पैटर्न, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पेज लेआउट टैब में आना है। पेज लेआउट टैब में आने के बाद हमारे पास पेज बैकग्राउंड नाम का एक ब्लॉक दिखेगा। उस पेज बैकग्राउंड नाम के ब्लॉक में हमारे पास ऑप्शन आएगा पेज कलर। उस पेज कलर पे फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, हमें क्लिक करना है बस। और अगर आप सिंपल कलर चाहते हैं तो आप अपने सिंपल कलर्स ले सकते हैं। अगर आप कोई इफ़ेक्ट चाहते हैं, आप इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट चाहते हैं, ग्रेडियंट, टेक्स्चर चाह रहे हैं, टेक्स्चर ले लीजिए। आप फ्रेंड्स कुछ भी करके अपने पेज का कलर, टेक्स्चर, पैटर्न, ग्रेडियंट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये पेज कलर का टॉपिक समझ आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए और इस वीडियो के बाद दिए हुए टेस्ट को तो ज़रूर ही सॉल्व करिए। सो थैंक यू क्लास।